हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F41 में और वीवो Z1 प्रो में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। सैमसंग की है 6.4 इंच की, रेजोल्यूशन है 1024x1340 पिक्सल और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। और वीवो की जो डिस्प्ले है वो 6.53 इंच की है, रेजोल्यूशन है 1024x1340 पिक्सल और इसमें आईपी सेंसर डिस्प्ले का यूज किया गया है। और डिस्प्ले के मामले में सैमसंग आगे है क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। बात करते हैं प्रोसेसर की। सैमसंग है एक्सिनोस का 9611, सीपीयू है 2.3 GHz ऑक्टेकोर का और इसमें 10 नैनोमीटर्स का फिनफेट और इसका जीपीयू है जी बेहतर है MP3 का। और वीवो का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 712 का, सीपीयू है 2.3 GHz ऑक्टेकोर का और इसमें 10 नैनोमीटर्स का फिनफेट और उसका जीपीयू है 616 का। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। सैमसंग एंड्रॉइड 10 और वीवो का एंड्रॉइड 9। बात करते हैं बैक कैमरे की। सैमसंग का जो बैक कैमरा है वो ट्रिपल है, 64+8+5 मेगापिक्सल का और वीवो का जो बैक कैमरा है वो भी ट्रिपल है, 16+8+2 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, दोनों का सेम है, 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। बात करते हैं बैटरी की। सैमसंग में दी गई है 6000 mAh की और वीवो में दी गई है 5000 mAh की और दोनों फोन बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की। सैमसंग में 15 वाट का और टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है और वीवो में 18 वाट का और माइक्रो यूएसबी सपोर्ट दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों फोन में 2 सिम और 7 मेगापिक्सल का डायरेक्ट ट्रिपल सेंसर दिया गया है। दोनों में आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और फेस लॉक दोनों फोन में दिया गया है। बात करते हैं रैम की। सैमसंग में 6 GB की और वीवो में 4 GB और 6 GB की। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम है, 64 GB और 8 GB की दी गई है। बात करते हैं प्राइस की। सैमसंग का जो प्राइस स्टार्टिंग वो है 16,999 और वीवो का है 4 GB और 64 GB का, वो है 14,999। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन सा फोन पसंद है कौन मिल जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक।